सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिख को गुस्सा होते हुए दिखाया गया है। यूजर ने वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया है कि भाजपा के एक नेता ने सिख अफसर को खालिस्तानी बोला था, जिससे नाराज होकर वो कार्यक्रम से चले गए। हमने वीडियो का फैक्ट चेक करते हुए ये पाया कि वीडियो को गलत दावे से शेयर किया गया है। हमें इस घटना से जुड़े जो फैक्ट्स मिले उसके अनुसार लखनऊ नगर निगम में शहर की सफाई को लेकर चुनी गई कंपनी रामकी पर सहमति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। तभी भाजपा पार्षद ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई कंपनी को लाने के लिए आपको क्या ऑफर मिला है। इस पर नगर आयुक्त भड़क गए और सदन छोड़कर बीच में ही बाहर चले गए। मतलब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर नगर आयुक्त गुस्से में पहले तो पार्षद को डांट लगाई और फिर बैठक से चले गए। इस दौरान काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन नगर आयुक्त नहीं माने तो उसी घटना को भाजपा नेता द्वारा सिख अफसर को खालिस्तानी बोलने के झूठे दावे से शेयर किया जा रहा है।